हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कंपटीशन न्यूज़ में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को UPTET, CTET, KVS यानी कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या किसी भी शिक्षक भर्ती की जानकारी सबसे पहले आपके अपने चैनल कंपटीशन न्यूज़ के माध्यम से मिलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं UPTET की आधिकारिक उत्तर कुंजी के विषय में। विज्ञप्ति दोस्तों जारी हो चुकी है, देखेंगे किस प्रकार से आप ऑब्जेक्शन कर पाएंगे जो आपके विवादित क्वेश्चन हैं उन्हीं पर, और दोस्तों क्या सभी को 6 नंबर मिलने वाले हैं तो के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो UPTET की पल-पल की अपडेट और जो भी विवादित क्वेश्चन होंगे उनके ऑथेंटिक प्रूफ लेके हम आपके सामने हाजिर होंगे। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसे ही दोस्तों आंसर की आएगी, हम प्रमाणित प्रूफ के साथ में आपके साथ में उपस्थित होंगे, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, यहां पे आप लोग देख सकते हैं PNP के द्वारा आज जारी की गई विज्ञप्ति, और यहां पे मैं आप लोगों को शॉर्ट में दोस्तों बता देता हूं, 8/1/2020 को UPTET की परीक्षा आयोजित हुई थी, और दोस्तों जो उसकी उत्तर कुंजी है दोस्तों UPDLET.gov.in पे 14/1/2001 को दोपहर से दोस्तों यहां पे उपस्थित होने की पूरी संभावना यहां पे आप लोग देख सकते हैं। वेबसाइट पे प्रकाशित उत्तर माला के क्रम में कोई आपत्ति अगर आप लोगों को है तो दोस्तों आप 17/1/2020 तक आपत्ति कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार खास बात यह है कि पिछली बार आप लोगों को पता होगा, पिछली बार जब UPTET की परीक्षा हुई थी तो उसमें 150 में से दोस्तों 122 क्वेश्चन पे लोगों ने आपत्ति दर्ज कर दी गई थी। तो दोस्तों, इसी से बचने के लिए यहां पे PNP के द्वारा एक कदम उठाया गया है, ₹500 प्रति प्रश्न की दर से इस बार चार्ज देना होगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों का जो ऑब्जेक्शन सही पाया गया तो ये जो मनी है दोस्तों जो आप लोग यहाँ पे जमा करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाइन, तो वो आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। और अगर दोस्तों आप लोगों का ऑब्जेक्शन यहाँ पे गलत पाया गया तो आप लोगों की जो मनी है, जो पैसे आप लोग जमा करेंगे ₹500 दोस्तों, वो आप लोगों की जो मनी है उसे यहाँ पे रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने में किसी भी प्रकार के साक्ष्य और अभिलेख वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी आपत्ति के साक्ष्य के रूप में बुक रेफरेंस के नाम के सामने रिमार्क का विकल्प अंकित कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा है कि केवल NCERT नहीं, कोई और भी बुक अगर आप लोगों के पास है जो ऑथेंटिक मानी जाती है, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को लूसेंट का प्रूफ दिखाया था तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि केवल NCERT की बुक यहाँ पे मान्य होगी। लेकिन दोस्तों, मैंने जब वो क्वेश्चन देखा तो मुझे कहीं पे भी NCERT में नहीं मिला, लूसेंट में मिला था पेज नंबर 7 में। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर लूसेंट में भी वो क्वेश्चन का आंसर दिया है तो आप उसे भी बुक रेफरेंस के रूप में यहाँ पे PNP को यहाँ पे भेज सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल NCERT नहीं लिखा है, कोई भी बुक रेफरेंस दोस्तों जो प्रमाणिक हो आप लोग उसके साथ में यहाँ पे भेज सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपत्ति जो है केवल दोस्तों ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएगी, पत्राचार के माध्यम से कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। और 17/1/2020 जो है दोस्तों अंतिम तारीख है यहाँ पे ऑब्जेक्शन करने की। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं किन किन प्रश्न में विवाद हो सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हिंदी प्रश्न पत्र में आया था कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है और उसके 4 ऑप्शन दिए थे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, संतान, कड़ी, चील और सरसों, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो यहाँ पे जो हमारे जो हिंदी के यहाँ पे जो जानकार हैं दोस्तों, पृथ्वीनाथ पांडे जी भाषाविद जो हैं दोस्तों, उन्होंने बताया है कि जो 4 विकल्प हैं दोस्तों ये स्त्रीलिंग के हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन में आप लोगों को पूरा नंबर मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। एक दोस्तों ये वाला भी क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति मैचिंग वाला, उसमें 1936 ऑप्शन नहीं था। तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन ये है जिसमें आप लोगों को पूरे नंबर मिलने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, मानसूनी वन वाले जो क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है, क्योंकि जो यूपी बोर्ड की बुक है दोस्तों उसमें 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर दे रखा है, जहाँ पे जो वर्षा होती है वहाँ पे मानसूनी वन पाए जाते हैं जो ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें भी आप लोगों को नंबर मिल सकता है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 100 से 200 सेंटीमीटर, और जिन्हें मानसूनी वन कहा जाता है, जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। थारू जनजाति वाला भी क्वेश्चन दोस्तों विवादों में है, और यहाँ पे जो ऑप्शन पूछा गया था उसमें कहा गया था कि थारू जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो दोस्तों उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों ऑप्शन में थे। तो इस पे भी दोस्तों आप लोगों को पूरे नंबर मिल सकते हैं। फिलहाल दोस्तों 8-10 क्वेश्चन दोस्तों ऐसे हैं विवादित हैं जिन पर आप लोगों को नंबर मिलने की संभावना है। फिलहाल दोस्तों आंसर की का इंतजार करते हैं, और जैसे ही दोस्तों आंसर की आएगी, सबसे पहले सबसे तेज प्रमाणिक प्रमाणों के साथ में जो भी आप लोगों के पास में जो भी हमारे पास NCERT है या
या यूपी बोर्ड की पुस्तकें हैं, या दोस्तों जो भी आईएएस पीसीएस के बच्चे जिन्हें फॉलो करते हैं, तो उन प्रमाणिक पुस्तकों के साथ में हम आपके लिए जो भी विवादित क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन लेके आएंगे। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सके। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। जय हिंद।